गोपाल को मिठाई खिलाने जा रही हूँ, मतलब लड्डू, और राधा जी को, कृष्ण जी को। और मैं खुद खा लू कृष्ण जी। बहुत टेस्टी बनाए। बाय फ्रेंड्स, ये अच्छा बना, प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशु, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग इन काशी में। तो आज तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में 2 चम्मच ये जमा हुआ घी ले रही हूँ। तो 1 कप मैंने घी लिया है, देखते हैं कितना घी इसमें यूज होता है। तो 2 बड़े चम्मच मैं इसमें घी पहले डाल रही हूँ, बस देखिए इतना ही। और इसमें मैं डालूँगी 2 कप बेसन। बेसन ये घर के चना दाल को मैंने गर्म किया हुआ है और इसको मिक्सी में पीसा हुआ है। थोड़ा मोटा है ये, बिल्कुल पतले का अगर आप लड्डू बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो इसका लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। थोड़ा सा चलाने के बाद मुझे घी इसमें कम लग रहा है तो 1 बड़ा चम्मच और मैं इसमें घी डाल देती हूँ। तो इसमें लगभग 1/2 कप के बराबर घी यूज हो गया है। 2 कप बेसन में 1/2 कप घी काफ़ी है इसके लिए। तो 1/2 कप घी मैं इसमें यूज कर चुकी हूँ और इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे एकदम अच्छे से भूनना है। देखिए थोड़ा सा ये भून चुका है, हल्का हल्का ये लाइट होना स्टार्ट हो गया है। जब बेसन अच्छे से भून जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से भून गया है और बिल्कुल हल्का हो गया है। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको डाल करके अच्छे से और चलाएंगे ताकि हम लोग का बेसन बहुत ही अच्छा दानेदार हो और लड्डू काफ़ी अच्छा बने। तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी, तो मैं पीला कलर यहाँ पे यूज कर रही हूँ ताकि लड्डू का कलर बिल्कुल हलवाई जैसा है, मतलब मार्केट वाले स्टाइल में हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा कलर भी डाल करके बस थोड़ा सा मिक्स करें और इसके बाद गैस से उतार करके इसको एक प्लेट में निकाल लें ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। बस मैं एक प्लेट में निकाल करके इसको फैला लूँगी और इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी। अगर गर्म में मैं इसमें चीनी डालूँगी तो चीनी बिल्कुल अच्छे से इसमें पिघल जाएगा और अच्छा लड्डू हम लोग का नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बूरा है तो बूरा यूज करें, नहीं तो पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। तो बेसन बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है तो यहाँ पे मैं 1.5 कप बूरा यूज करूँगी। अगर आपको बूरा बनाना नहीं आता है तो आप मेरे मथुरा का पेड़ा वाला रेसिपी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बूरा बनाना बताया है। तो आप बहुत ही ईजी तरीके से घर पर भी बहुत ही अच्छा बूरा बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपका मिश्रण थोड़ा भरभरा है तो आप उसमें 1/2 चम्मच घी डाल सकते हैं। बस अब इसको अच्छे से हाथ में लेकर के एक आकार दे दें, बस ऐसे दबाते हुए लड्डू को तैयार कर लें। देखिए थोड़ा सा मैं घी इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। तो फ्रेंड्स, इसमें 1/2 कप घी लग जाता है 2 कप बेसन के साथ। थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर देंगे ऐसे, तो बस इसमें ऐसे पिस्ता से गार्निश कर देंगे। बस हाथ में दबाते हुए एक आकार दे करके आप इसके ऊपर पिस्ता, बादाम, काजू या जो आपके पास ड्राई फ्रूट है आप चिपका सकते हैं। तो बस देखिए लड्डू हम लोग का अच्छे से तैयार हो गया है। ऐसे ही हम अपने सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे। देखिए सारे लड्डू अच्छे से बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली आप घर पर एकदम अपने हाथों से शुद्ध तरीके से लड्डू बनाइए और भगवान को खिलाइए और अपने बच्चों को भी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।